तुम तो दिल्ली जाने वाले थे ना तैयारी के लिए जब यूपीएससी के सारे सुपर टीचर्स खुद मेरे पास आ रहे हैं दिल्ली को जाना इंडिया के सुपर टीचर्स के साथ अब होगी यूपीएससी क्रैक डाउनलोड करो टेस्ट बुक ऐप हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग नमस्ते आदा सत बच चुके हैं सुबह के छे और आपकी करंट अफेयर्स की क्लास शुरू हो चुकी है लेकिन करंट अफेयर्स क्लास की जो समानता है वो आप रामदेव जी का भी सोच चल रहा होगा आस्था पे लोग योगासन कर रहे होंगे दोनों में बड़ी समानता है और समानता ये है कि वहां पर भी रामदेव जी बोलते हैं कि करने से होता है मतलब योग करने से होता है देखने से नहीं और उसी तरीके से करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर याद करने से होता है आपको देखनी पड़ेंगे चीजें एक रेगुलर रेगुलर आपको एक क्या करना पड़ेगा टर्म बनाना पड़ेगा कि हमको पर पढ़ने। ये देगा। ठीक है? क्योंकि इंस्टेंट जो है वो नूडल्स बनते हैं इंस्टेंट हमारे जो है ना नंबर नहीं आते तो इसी उम्मीद के साथ हम अपने गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने के लिए आप चाहे एस की तैयारी कर रहे हो रेलवे की तैयारी कर रहे हो या स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप सभी के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो उम्मीद करते हैं कि करने से होगा आज का जो हमारा थीम है इस पर हम लोग बात करेंगे और देखते हैं कि आज हमारे कंप्यूटर जी हमारे लिए क्या लेकर क्या देखिए कंप्यूटर जी हमारा जो है रिमोट नहीं काम कर रहा अगर आप देख रहे हैं तो देख लीजिएगा चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आज का जो थीम है कामयाबी तक जाने वाले सीधे रास्ते नहीं होते लेकिन कामयाबी मिलने पर सभी सीधे हो जाते हैं बिल्कुल सही बात है भैया हमारे यहाँ पर जो कामयाबी मिल है ना वो आसानी से नहीं मिलती है बहुत सारी फेलियोर बहुत सारी जो चीजें हैं ना वो हमारे आड़े आती हैं लेकिन जब कामयाबी के शिखर पे हम बैठ जाते हैं ना सब कुछ जो है वो बढ़िया सीधा साधा लगता है कि सब कुछ जो है वो हमारे लिए बड़ी आसानी से मिल गया बात सही है कि नहीं तो इसी उम्मीद के साथ सर इसकी बैटरी देखिएगा तो इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अपने आ, मतलब आज का जो तारीख है आज तारीख है चौबीस चौबीस मई के दिन हैप्पी कॉमनवेल्थ डे होता है हैप्पी कॉमनवेल्थ डे यहाँ पर सेलिब्रेट होता है ये चौबीस मई के दिन होता है याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है टेक्स्ट बुक का जो हमारा आ, आप लोगों को मैं बता देता हूँ ये है हमारा सेल आज मैं आप लोगों को एक ऑफर के बारे में बताने वाला हूँ आज जो है वो हमारे कुछ लकी लोगों को टेक्स्ट बुक पास फ्री में मिलेगा मतलब आपने पैसे खर्च किए कूपन कोड लगाया और उसके बाद से अगर आप लकी हुए तो आपका पूरा का पूरा पैसा रिटर्न आ जाएगा मतलब आपको ट कैश बैक जो है वो मिलने वाला है पूरे के पूरे पैसा रिटर्न आने वाला है कूपन कोड इस्तेमाल करिए पी एसी पी एस एस और अगर आप लकी हुए तो आपका पूरा -का पूरा का पैसा रिटर्न आ जाएगा कूपन कोड ये लगाइएगा आपको लकी कूपन कोड है और तीन सौ साठ रुपए में ये आपको मिलेगा और अगर आप लकी हुए तो आपको ये पूरा का पूरा रिटर्न आ जाएगा कैश बैक आ जाएगा ये है क्या चीज तो पांच सौ दस एग्जाम के सैतीस हजार मॉक टेस्ट मिलने तो चलिए देखते हैं आप कितने लकी हैं अगर आपका खत्म हो चुका है या खत्म होने वाला है तो रिन्यू कर लीजिएगा ठीक है? तो है, है और आप लोग डाल दिए गए शुरू करें भैया रिविजन थोड़ा जोश के साथ यहां पर बोलेंगे रिविजन की शुरुआत की जाए कि अभी रुका जाए थोड़ी देर क्योंकि हमें लगता है कि हमने जो कल सीखा था उसको इंप्लीमेंट करने का समय आ चुका है और यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमने यहाँ पर सीखी थी और कौन कौन सी चीजें हमें याद रह गई है सबसे पहला क्वेश्चन है डीलिमिटेशन कमीशन जो है डिलिमिटेशन <coughs> कमीशन जो है सही तो यहां पे देखेंगे जम्मू कश्मीर में किस तारीख को निर्धारित किया गया था उसका हमारा तो मेरे से क्यों नहीं होगा तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए दो हजार उन्नीस दो हजार उन्नीस जितने लोग बोले उनका जवाब यहाँ पे सही होता हुआ दिखाई दे रहा है दो हजार उन्नीस इज करेक्टर उसका आग बुझाने के लिए रोबोट को शामिल किया गया है जो सकरी गलिया गोदाम बेसमेंट सीढ़ियों में जाकर के आग बुझाने का काम करेगा दिल्ली है मुंबई है हमारा कोलकाता है या बंगलुरु है तो कहां पर रोबोट बनाए गए हैं और आपको मैंने कल बताया था कि वो एक हमारे किसी भी गलियों में जा सकते हैं जनता है सामने बहुत बढ़िया है पांच सौमी बार ब्लैक होल को बनते हुए देखा है वो हमारे यहाँ का कौन सा बोल सकते मिशन है न्यू स्टार है एस्ट्रोस्टेट है एस्ट्रोस्टेट सेकंड है या आदित्य एलेवन है तो क्या होना चाहिए बच्चों यहाँ पे से उत्तर बहुत बढ़िया सारे के सारे बच्चे बोल रहे हैं हमारे मेल कंपाउंड टीम ने मेल कंपाउंड टीम ने गोल्ड मेडल जीता है और फीमेल कंपाउंड टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये हो कहा पर रहा है साउथ कोरिया के ग्वांग में हो रहा है साउथ कोरिया के ग्वांगजू में अब कौन सी मेल टीम है जिसने ये वर्ल्ड कप में हमारे तो दिखाई थी तो अभिषेक अमन और रजत कहां भाई यहाँ पर जनता बोली सर ऑप्शन नंबर चार होना चाहिए अभिषेक अमन और रजत यहीं पे ठीक है तो चार नंबर नाम याद कर लेते हैं इनके गोल्ड मेडल जीता है अब दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि जो आठवीं ब्रिक्स की पर्यावरण मीटिंग चल रही है है ना सारी की सारी मीटिंग कहा या महेंद्र नाथ पांडे जी क्या होना चाहिए सारी की सारी जनता बोली है सर यहाँ पे जो उत्तर होना चाहिए यहाँ पर जनता भूपेंद्र यादव की तरफ जा रही है भूपेंद्र यादव इज राइट आंसर ये हमारे इन्वायरमेंटल मिनिस्टर है ना इन्वायरमेंटल मिनिस्टर याद रखेगा भूपेंद्र यादव अगला प्रश्न आपके सामने

अपने लोन को चुका नहीं पाएंगे लेकिन बैंक है कि कंपनी को वापस से किया जा सकता है। तो नगर निगम है दो तो हजार बाईस में संसद ने एक नियम बनाया कि जो तो तीनों म्यूनिशिपल कॉर्पोरेशन है दिल्ली की अब वो एक हो जाएंगी मतलब एक एमसीडी काम करेंगी उसके हमारे कमिश्नर के तौर पर किसको अपॉइंट किया गया सिंधु गंगाधरन है ज्ञानेश भारतीय और और कुमार है या हमारे नरेश कुमार जी हैं तो सारी की सारी जनता यहाँ पर बोल रही है कि सर जो हमारा दिल्ली नगर निगम है जो एकीकृत हो चुका है इसके जो हमारे कमिश्नर बनाए गए हैं देखिये सिंधु गंगाधरन सीमेंस वाली हैं याद होगा यह या हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के हमारे सेक्रेटरी हैं जिम कार्वेट वाले हैं नरेश कुमार जी इनको एलिमिनेट कर देते हैं बी नंबर के ऊपर टिक कर देते हैं है ना हाँ बेटा मुकेश अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेस्ट सीरीज लेने का और आज लेने वाले को भैया फ्री में मिल सकता है कूपन कोड याद रखना क्या है अभी आएगा अभी तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे अपने सैन्य और खुफिया लेखन के लिए विलियम ई e. कोलबी पुरस्कार किसने जीता है अबर्ट बोरला है अर्देसियर बी के डायबेटो फ्रांसिस है या बैरली मॉर्गन है ठीक है तो जो भी लोग आज टेस्ट सीरीज ले रहे हैं कूपन कोड लगाइएगा पी ए सी पी ए एस एस ठीक है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपको सारे के सारे टेस्ट ओपन हो जाएंगे तीन रुपए में लेकिन अगर लकी हुए तो टेस्ट बुक आपको सारा का सारा पैसा वापस कर देगा मतलब तीन में से तीन वापस तो वापस यहाँ पर जनता बोले सही उत्तर होना चाहिए यहाँ पर ये हमारे अमेरिका में अफगानिस्तान में जिस तरीके से सेना ने अटैक किया था उसको लेकर के यहाँ पर लिखने वाले वैली मॉर्गन को ये हमारा विलियम ई कॉलबी अवार्ड दिया गया है

डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हमारे एक पोर्टल लॉन्च किया है बायोटेक रिसर्च के लिए बायोटेक रिसर्च के लिए एक स्टार्टअप पोर्टल को लॉन्च किया हुआ है जिनका नाम है जितेंद्र सिंह ठीक है तो यह हमारे लिए महत्वपूर्ण पहली हेडलाइन पुरुषोत्तम दास रूपाला जिन्होंने हमारे जो हमारे फिशरीज एनिमल और डेयरी मिनिस्टर है ये हमारे कहां पर गए हुए हैं ब्राजील में गए हुए हैं सोलह से बीस मई तक ब्राजील की विजिट पर गए हुए हैं क्या नाम है भैया पुरुषोत्तम रूपाला

ग्रीन हाइड्रोजन इन सब के ऊपर बहुत तेजी से शिफ्ट हो रहा है टाटा पावर्स और टाटा मोटर्स ने जब डेवलप करना शुरू कर दिया है तो मतलब जल्दी ही हम लोग सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने वाले हैं मैनचेस्टर मैं दो हजार इक्कीस बाईस प्रीमियर लीग चैंपियनशिप मैनचेस्टर जो सिटी है इसने यहाँ पर हमारे कौन सा प्रीमियर लीग चैंपियनशिप को जीत करके वापस से इतिहास रच दिया है चलिए तो मैनचेस्टर सिटी के बाद अगला प्रश्न आ जाता है डब्ल्यू एच ओ ऑनर्स इंडिया पर हमारी एक विलियन जो आशा वर्कर है आशा जानते होंगे जो आंगनवाड़ी में काम करने वाली हमारी महिलाएं हैं जो टीकाकरण करने का महिलाओं को हेल्प करने का है ना बच्चों को हेल्प करने का काम करती हैं उनको आशा वर्कर्स बोलते हैं ऐसी दस लाख महिलाओं को डब्ल्यू एच ओ ने सम्मानित किया हुआ है तो ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि दस लाख ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया है किसने

तो यहां पर इसके ऊपर भी आज हम लोग बात करने वाले हैं अगला प्रश्न आपके सामने आता है ऑस्ट्रेलिया के लेबर पार्टी के एबेलियंस ने लगभग एक दशक तक उनकी सरकार जो है वो समाप्त हो गई है और स्कॉट ने अपनी हार स्वीकार करने के बाद राष्ट्रीय चुनाव जीतने का दावा किया ठीक है तो यहां पर एंथोनी एलबेनियस जो है वो पीएम बनने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के तो ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम हमारे कौन बने एंथोनी एबेनियस और यहां पर स्कॉट मॉरिसन जो है वो अपनी हार गए हैं चुनाव को तो भैया यही है डेमोक्रेसी है ना स्कॉट मोरिसन अभी तक हम लोग कल तक इनकी बातें करते थे ऑस्ट्रेलिया तो, चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ बात कर लेते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है स्विमर स्विमर एरियन ऑस्ट्रेलिया के स्वर्ण पदक विजेता जिनको हम लोग ओलंपिक में इन्होंने वर्ल्ड वर्ल्ड जो हमारा चैंपियनशिप था उसमें फ्री स्टाइल में भी सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जिनका नाम क्या है एरियन ब्रोकन द द वुमेन्स मीटर फ्री स्टाइल वर्ल्ड रिकॉर्ड एट ऑस्ट्रेलिया स्विमिंग चैंपियनशिप तो चार मीटर का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था फ्री स्टाइल का वो तोड़ दिया है हमारे एरियन टिटीमस ने डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर भी दस साल के स्केटर गर्ल फ्रॉम द मुंबई क्लाइम द माउंट एवरेस्ट बेस कैंप अरे भाई साहब एक दुर्लभ उपलब्धि है मतलब एक अलग तरीके की उपलब्धि है मुंबई की दस साल की बेटी स्केटरर है मतलब स्केटिंग करने वाली जिनका नाम है रिदम ममानिया एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई हैं भाई साहब दस साल की उम्र में मतलब बोलते हैं ना पूत के पांव पालने में नजर आते हैं वैसे भैया है, दस साल की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंच करके रिकॉर्ड बना लिया सबसे कम उम्र में यहां पर करने वाली ये है मतलब स्केटिंग करती बॉडी में बहुत जान होगी तो रिदम रिदम ममानिया इनका नाम है मुंबई की है नाम तो याद करना ही पड़ेगा भाई दस साल की उम्र में तहलका मचा रही है फोर्थ एडिशन ऑफ इंडिया बांग्लादेश नेवी बायोलेक्ट्रिकल एक्सरसाइज जो है वो शुरू हो गई तो यहां पे अगर देखेंगे तो भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना ने यहाँ पे कॉर्पोरेट का चौथा संस्करण शुरू किया है

पार्टनरशिप में साझेदारी की है भैया देखिए महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैन है अब मैं हम, हम लोग का जो ऑफिस है वो मुंबई में तो मैं भाई कल एक लेने गया सब्जी लेने के लिए क्या तो उससे मैंने प्लास्टिक है क्या तो बोल भाई साहब हम प्लास्टिक रखे हुए थे लेकिन सुबह सुबेरे, सुबेरे हमारे यहाँ पर जो है वो आ, आए म्युनसिपल कॉर्पोरेशन वाले और प्लास्टिक के नाम पर पांच हजार रुपए का फाइन लगा के गए तो प्लास्टिक को बहुत बुरी तरीके से महाराष्ट्र से खत्म किया जा रहा है ठीक है ना फाइन बहुत तगड़े लगाए जा रहे हैं और ये है प्लास्टिक को पूरी तरीके से गायब करने का तरीका तो महाराष्ट्र पार्टनर हमारे किस हमारे किसके साथ वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम प्लास्टिक पॉल्यूशन को दूर करने के लिए चलिए आगे चलते अगला प्रश्न देखते हैं तो गैस ये थी हमारी टॉप की हेडलाइंस ये ऐसी हेडलाइंस है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही है ठीक है ना बहुत महत्वपूर्ण हमको ये दिखाई दे रही है चलिए तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है कि मई 2022 में बायोटेक शोधकर्ता और स्टार्टअप के लिए सिंगल नेशनल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है सिंगल नेशनल प्लेटफॉर्म किसके लिए दोस्तों हमारे बायोटेक शोधकर्ताओं के लिए सारे के सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं सर ये जो है हमारे देश के साइंस मिनिस्टर है और धीरे से आउट भी हो गया था तो जितने बच्चे बोल रहे हैं सर यहाँ पर जितेंद्र सिंह होना चाहिए ये हमारे लोकसभा के मेंबर है ये जम्बू के उधम सिंह उधमपुर से चुनकर के आते हैं तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा

यहाँ पर बेरोजगार युवाओं को आसानी से केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा पदों की जानकारी मिल जाएगी अब भारतीयों के लिए सिंगल प्लेटफॉर्म पर सभी राज्यों से संबंधित पदों की जानकारी भी मिल जाएगी यहाँ पर एक बहुत अच्छा पोर्टल है ये बायोटेक का जिसने यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहाँ पे लॉन्च किया है बायोटेक शोधकर्ता और स्टार्टअप्स के लिए भी सिंगल नेशनल पोर्टल है ये ठीक है ना इस पोर्टल का नाम रखा गया बायो रैप बायो रैप इसका पोर्टल है आप इसको नेट पे सर्च करते हो जितेंद्र सिंह जी कौन है उधमपुर से लोकसभा के सदस्य है ठीक है ना वर्तमान में भारत में सत्ताईस से भी ज्यादा बायोटेक स्टार्टअप है और पच्चीस से भी ज्यादा बायोटेक स्टार्टअप कंपनियां है जो काम कर रही है टिक करके बैटिंग कर रही है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हमारे यहाँ के पुरुषोत्तम सिंह रूपाला जो है ये यूनियन मिनिस्टर है फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी ये कौन से देश की यात्रा पर गए ब्राजील है मेक्सिको है यूएसए है या पुर्तगाल है कौन सी देश की यात्रा पर गए जल्दी से जवाब देना है चलिए सब भी सारे के सारे बच्चे आप पर जवाब दे रहे हैं कि सर सही जवाब होना चाहिए कि हमारे देश के जो आ, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर है वो ब्राजील की चार दर्शी यात्रा पे गए यहां पर ब्राजील जितने बोल रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है है ना ठीक है तो ब्राजील की यात्रा पे आप यहां पर देख सकते हैं और यहां पर ब्राजील सही जवाब है तो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर में हमारा जो आ, सबसे टॉप का कंट्री है वो है कौन चाइना नंबर एक पे आ जाता है चाइना का प्रोडक्शन ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है तो हमारे यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो पुरुषोत्तम सिंह रूपाला जो है ये ब्राजील की यात्रा पर गए हुए हैं इनके ऊपर हम लोग अभी बात करने वाले हैं ठीक है तो ब्राजीलियन एसोसिएशन ऑफ जेबू ब्रीड्स एंड ब्राजीलियन कंफेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक के अध्यय यहाँ पर बैठक चल रही है जहां पर जाकर के ये एनिमल फिशरीज में किस तरीके से और डेवलपमेंट किया जाए और नई नई चीजें लेकर के आई जाए

केरला कर्नाटक गुजरात यहाँ पर भी होता है लेकिन नंबर एक पर जो है वो आपका वेस्ट बंगाल है जहाँ पर मछली पकड़ा जाता है लेकिन हमारे यहाँ पर जो सबसे आदर्श जगह है मछली पकड़ने के लिए वो तमिलनाडु है तमिलनाडु जो है ये सबसे आदर्श जगह है लेकिन अभी ये दूसरे नंबर पे है मत्स्य हमारे स्टेट में मछली पकड़ने के मामले में ठीक है ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं टाटा पावर और टाटा मोटर्स ने किस शहर में हमारे यहाँ पर सात मेगावाट जो है उस सोलर रूफ हमारा जो टॉप है उसके लिए काम करना शुरू का, किया है कोलकाता है पुणे है दिल्ली है या मुंबई है तो पर जनता है कि सर अगर हम सात मेगा वॉट का जो सोलर रूफ हमारा जो प्लांट है टाटा ने विकसित किया है वो है पुणे जितने यहां पर बोल रहे हैं उनको यहाँ पे नंबर मिल रहा है तो पुणे इज राइट आंसर पुणे में शुरुआत की गई है तीन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही है तो इंडिया है सेट लार्जेस्ट 2022 तक 2022 तक ये टारगेट लिया है कि 40 गीगा वॉट जो है वो हमको लगाना ही है तो इसमें सारी की सारी जो कंपनियां है वो यहाँ पे कार्यरत हो रही हैं जैसे ये देखिए पुणे में ये रूफ टॉप बना रही है जिससे ये देखिए किस तरीके से बनाया गया है जिससे हमारा सात मेगा बिजली क्रिएट होगी तो हमारे पास सूर्य है और सूर्य कोई चार्ज नहीं करता है आप बस उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के तरीकों को डेवलप करिए है ना कोयले का जो है वो शॉर्टेज होता हुआ दिख रहा है महाराष्ट्र में कोल क्राइसिस आ गया है ना हम देख रहे हैं कि हमारे हमारे यहाँ पर जो है वो बहुत तेजी से जो रिनेसेस थे उनका बहुत तेजी से उपयोग किया जाना शुरू हो गया है है ना हमने हरित हारी, हाइड्रोजन को देखा कि पहला हमारा प्लांट लगाया गया आसाम के जोहाट में उसी तरीके से हमारे अलग अलग एरिया में ये जो सोलर प्लांट है उनका इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दिया जा रहा है ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो इन कोयले के ऊपर पेट्रोल के ऊपर वो कम हो जाए है ना न्यूक्लियर के ऊपर कम हो जाए और हम लोग रिन्यूबल एनर्जी की तरफ आ जाए इस साल का जो टारगेट है वो चालीस गीगा कितना हमें सोलर से प्रोडक्शन करना ही है और इस दिशा में कदम बढ़ाया है टाटा पावर और टाटा मोटर्स ने ठीक है ना ये लोग मिलकर के पुणे में एक प्लांट बना रहे सात मेगा की बिजली पैदा करेगा ये ठीक है ना चलिए तो तो टाटा पावर ने पुणे के चिखली में टाटा मोटर्स यात्री वाहन संयंत्र में सात मेगावाट 16 रूप प्लांट की जो है वो विकसित कर दिया है है ना पावर परचेज एग्रीमेंट भी यहां पर किया दोनों कंपनी ने टाटा मोटर्स और टाटा पावर्स ने स्थापना के सामूहिक रूप से 23 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा और यहां पर 5.3 लाख कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन का जो इमर्शन है इस परियोजना से 5.23 लाख कम हो जाएगा तो ये भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चुका है ठीक है चलिए आगे तक तो चलते हैं अगला हमारे पास क्वेश्चन आने से पहले दोनों टाटा मोटर्स और टाटा पावर दोनों ने सत्रह मेगावाट ऑन साइट और परियोजना का उद्घाटन का यह तीसरा चरण है पहले ही दस मेगावाट ये स्थापित कर चुके हैं अलग अलग शहरों में अब ये तीसरे चरण में सात मेगावाट और जोड़ दीजिए तो टोटल सत्रह हो जाएगा इस स्थापना के साथ टाटा पावर सौ नवीनीकरण ऊर्जा का अपना लक्ष्य के करीब पहुंच जाएगी टाटा पावर जो है इसका एमी है इसका मेन कि हम सारे के सारे और आगे बढ़ रहे। इस के चालू होने के बाद ये भारत का सबसे बड़ा ऑन साइट सोलर इंस्टॉलेशन बन जाएगा ये सबसे बड़ा हमारा इंस्टॉलेशन है जो की यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है कंपनी में वित्तीय वर्ष में नाइन्टी मिलियन किलो आवर

हमारी कौन सी बोल सकते टीम है लिवरपूल है मैनचेस्टर सिटी है पीटर सेंट जर्मन है या चेल्सिया है किसने जीता हुआ है एस्टन विला को हरा करके तीन दो से यह टूर्नामेंट किसने जीता है बहुत बढ़िया सारी सारी जनता जवाब दे रही है सर हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग राधे राधे अरे वाह भाई इतनी जल्दी कैसे आ गए थोड़ा और लेट आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए मैनचेस्टर सिटी मैनचेस्टर यूनाइटेड एक अलग टीम है मैनचेस्टर सिटी अलग टीम है इसने ये प्रीमियर लीग जीत करके एस्टोनाविला को हरा करके तीन दो से टूर्नामेंट जीता गया है, है तो फुटबॉल का यह टूर्नामेंट है लेकिन का कौन सी बार जीता है तो चौथी बार ये जीता हुआ है किसको हराने के बाद एस्टेनविना को हराने के बाद कितने गोल से हराया तीन दो के गोल से हराया हुआ है ठीक है ना दो में सिटी मैनेजर बनने के बाद पैप गार्डियोलो ने ग्यारवा बड़ा सम्मान है

यहाँ पर हमारे बोल सकते हैं कि सिल्वर गोल्ड मेडल जीता हुआ है वरुण तोमर ने हमारे किसमें जो हमारे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुए हैं उसमें वरुण तोमर ने गोल्ड मेडल जीता हुआ है है ना आर्यन पंचाल ने बटरफ्लाई में यूनिवर्सिटी गेम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है टोक्यो तो, के ओलंपिक दीपक पुनिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में एट्टी किलोग्राम में सिल्वर मेडल जीता हुआ है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में हमारे जो भारत तोलक है गोविंद सुनील महाजन ने इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता हुआ है तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं ठीक है ठेके? तो याद रखिएगा हमारा जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये कहाँ पर हो रहे थे बेंगलोर में ये हो रहा था बेंगलोर में और इसको जीता किसने इसको जीता जैन यूनिवर्सिटी ने हमारा जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है ये कहाँ हो रहा था यह मंगोलिया के उलन में हो रहा था मंगोलिया के उलन में हो रहा था जिसमें दीपक पुनिया ने सिल्वर मेडल यहाँ पे जीता हुआ अगला क्वेश्चन है? है, 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 है। की आशा हम ये बोल सकते हैं कि जो इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है हर सारी चीजें महंगी हो रही है बस एक चीज में बढ़ोतरी नहीं हो रही है वह लोगों की इनकम लोगों के पास इनकम नहीं आ रही है जो पहले से जो लोग कमा रहे हैं वो वही सस्टेन कर पा रहे हैं नई जॉब्स क्रिएट होने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं गवर्नमेंट ऐसा नहीं उसको लेकर के चिंतित नहीं है लेकिन सेक्टर बहुत संगठित हो चुके हैं बहुत ज्यादा जो है हमारे संभावनाएं अभी बची नहीं है कोविड के बाद से तो आशा महिलाएं कुछ एक ऐसा उम्मीद है गरीब लोगों के लिए जो गरीब के यहाँ बच्चा पैदा होता है गरीब को जब हमारे वैक्सीनेशन कराना होता है तो ये हमारी आशा वर्कर्स आगे आती हैं और उनकी मदद करती हैं तो ऐसी दस लाख एक मिलियन आशा महिलाओं को यहां पर पुरस्कार दे रहा है डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये हमारा पुरस्कार दे रहा है तो डब्ल्यू के ऊपर हमें टिक करना है नंबर मिल जाएगा

क्षेत्रीय और प्रतिबद्धता को देखते हुए ये तो यहाँ पर, तो है। है? तो पर मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता या आशा इनको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं तो ये हमारे रूरल एरियाज में या जो हमारे टीयर टू या टीयर थ्री थी के सिटीज होते हैं ये बहुत ज्यादा काम में आती है डब्ल्यूएचओ का टर जीनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना 1948 में एडनम जो है वो इसके महानिदेशक है चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इनमें से कौन सी बीमारी के चार मामले सामने आने पर मंकी पॉक्स के रोगियों को हमारे इक्कीस दिवसीय क्वारंटाइन रहने के लिए अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया जर्मनी बेल्जियम है नीदरलैंड या ब्रसल्स है पेंडेमिक से, से परेशान पूरा जो देश है वो किसी भी वायरस को लेकर के अब स, जो है वो लापरवाही नहीं कर सकता है उसको फैलने से पहले उसके रोकने की पॉलिसीज बनने लगती हैं और ऐसे ही मंकी पौ, मंकी पॉक्स यूरोप में फैलता हुआ देखा जा रहा है पहला मामला हमारे नाइजीरिया से गए हुए व्यक्ति वे को यूके में जब हमने मॉनिटर किया उसमें मंकी पॉक्स के सिम्टम पाए गए वो यूरोप में तेजी से फैलता हुआ दिख रहा है बेल्जियम में चार मामले पाए गए और बेल्जियम सरकार ने साफ तौर पर यह बोल दिया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कि मंकी पॉक्स से ग्रसित है 21 दिन तक उसको घर के अंदर ही रहना है क्वारंटाइन रहना है यहाँ पर बेल्जियम जितने लोग बोल रहे हैं यहाँ पर सही जवाब है तो कह इसे ही बोलते हैं कि अगर आदमी दूध से जल जाता है तो वो छाछ को भी फूक फूक के पीता है किसी भी वायरस से समझौता नहीं करना है ये गवर्नमेंट की और सारे वर्ल्ड की पॉलिसी है तो ये जो मंकी पॉक्स एक तरीके से चिकन पॉक्स या हमारे स्मॉल पॉक्स की तरीके होता है जो कि बॉडी में छोटे छोटे दानों के रूप में दिखाई देता है और ये फिर हेडक और फीवर के रूप में दिखाया जाता है मंकी पॉक्स एक हमारा दुर्लभ वायरस है जिसका जो कैरियर है ये मंकी होता है 1958 में इसको सबसे पहले देखा गया था इसीलिए इसको मंकी पॉक्स बोला जाता है मंकी पॉक्स का जो पहला संक्रमण का मामला है 1970 में मतलब इंसान में पहली बार 1970 में और मंकी में पहली बार 1958 में देखा गया था इस रोग को मुख्य रूप से मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के हमारे उष्ण कटबंधी वर्षा जो क्षेत्र है वहां पर देखा जाता है और उसके बाद से ये हाईली जो है ट्रांसमिस ट्रांसमिशन होता है तेजी से संक्रमित होता है तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि यूरोपियन कंट्री में गया और उसके बाद से ये हमारे धीरे धीरे से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है तो बेल्जियम में चार केसेस पाए गए और इसने बोल दिया कि भैया कोई भी ऐसा व्यक्ति है उसको क्वारंटाइन होना जरूरी है इक्कीस दिन तक बेल्जियम की कैपिटल अगर आप देखेंगे तो ब्रसल्स है ब्रसल्स यहाँ की कैपिटल है और दोस्तों ये बिल्कुल हमारे नॉर्थ सी और आप देखेंगे तो ऊपर की सबसे ऊपर की तरफ है इसीलिए इसको एक निकनेम दिया गया कॉकपिट ऑफ यूरोप यूरोप का ये कॉकपिट है कॉकपिट बेटा क्या होता है एरोप्लेन का जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है जहां पर पायलट बैठ करके हमारे एरोप्लेन को चला रहे होते हैं हैं उसको कॉकपिट बोलते तो इसी तरीके से बेल्जियम जो है वो यूरोप का पूरे यूरोपियन कंट्रीज का कॉकपिट है अब यहाँ की कैपिटल जो है ब्रसल्स है गाइज यहाँ पे कुछ हेडक्वार्टर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हमारे यूरोपियन यूनियन जो है यूरोपियन यूनियन उसका हेडक्वार्टर भी कौन सा है ब्रसल्स में ही आपको देखने को मिलेगा यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रसल्स में

फ्री है यहाँ पर एक एक चीज पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है है ना अब बोलोगे सर फ्री है तो मतलब पैसा कहाँ से आता होगा दोस्तों यह इतना छोटा देश है जनसंख्या इतनी कम है कि यहाँ के टैक्स से ही और यहाँ पर सारे के सारे एच कस्टमर रहते हैं मतलब सारे के सारे बड़े कस्टमर बड़े लोग रहते हैं टैक्स टाइम पे पे करते इनकम टैक्स हो गया या इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया जिससे कि ये सब उनको फ्री में सुविधाएं दी जा रही हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारी इंफॉर्मेशन है जो याद रखना है तो गाइज हमारे यहाँ पर जो सुविधाएं नहीं मिल पाती उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारे देश की जनसंख्या उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है चलिए आगे चलते हैं तो यहाँ पर देश में हम जैसे कि हमने बात की कि इक्कीस दिन तक हमको यहाँ पर रहने वाला है ये चेचक से कम घातक है मृत्यु दर चार प्रतिशत से कम है मतलब सौ में से चार से भी कम लोगों की डेथ होती है लेकिन यार खतरनाक है इससे बच के रहना है तो हमने इसके ऊपर पूरी बात कर ली है प्रधानमंत्री बेल्जियम के कौन है अलेक्जेंडर डी क्रोस है यहाँ का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं की भाग लेने के लिए मोदी जी कहाँ पहुंच गए मोदी जी जो है, वो कार्ड्स लीडर्स की सम्मिट में शामिल होने के लिए कहाँ पहुंच गए ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका या रसिया? जल्दी जवाब देना है एच एन आई एच एन आई का मतलब होता है हाईली जो हमारे जिनका जो बहुत सारा इनकम होता है हाईली इनकम पर्सन को एच एन आई बोला जाता है और एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन मतलब जो भारतीय विदेश में रहने यहाँ पर जिनकी इनकम बहुत ज्यादा आती तो है उनको हम लोग एच एन आई बोल देते ठीक है तो यहां पे जापान में ना से। जापान के टोक्यो में हमारी ये हो रही है लीडर पर मोदी जी जो है वो पहुंच गए है।, है ना तो देखिए क्वार का मतलब क्या जो चार बड़े देश जो जाकर के हमारे आपस में मीटिंग करते हैं कल हमने बात की थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूएस एंड जापान ये क्वारल ट्रगल बन रहा है ना सही बोल रहे ना तो ये हमारे जापान में इनकी सम्मिट टोक्यो में इस बार हो रही है जहां पर ये चारों देश के प्रमुख पहुंच रहे हैं ठीक है तो ये देखिए हमारे मोदी जी हैं ये हमारे जो बिडन है ये ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन है और ये फमीदो कसीदा है ठीक है तो ये चारों के तो चारों चारो की मीटिंग हो रही है ये वर्चुअल है लेकिन ये जा रहे है मतलब ये मीटिंग जो है लाइव होगी टोक्यो से नरेंद्र मोदी क्वार्स लीडर, लीडर की सम्मिट के लिए दो दिन की यात्रा में तेईस मई को टोक्यो पहुंच गए क्वाड चार देशों की एक स्वतंत्र खुले समावेशी इंडो पैसिफिक के प्रति एकजुटता को दिखाने के लिए बनाई गई है प्रधानमंत्री चौबीस मई को अमेरिकी राष्ट्रपति बेडिन के साथ भी मिलेंगे क्वाड नेताओं की चौथी बातचीत है कौन सा वर्जन है फोर्थ वर्जन है कहाँ पर हो रहा है टोक्यो में पूछा जाएगा एग्जाम में कि भैया क्वाड सबमिट कहाँ पे हुई टोक्यो में कौन सा वर्जन है चौथा मंजर क्वार कंट्रीज में कौन कौन शामिल है जापान ऑस्ट्रेलिया यूएसए एंड इंडिया समझ रहे हो कि नहीं याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है कहाँ पर हुई है हमारे टोक्यो में कर लोगे एग्जाम में आएगा जापान की कैपिटल है टोक्यो यूएन यहाँ की करेंसी है फोमियो का सीधा यहाँ के प्रधानमंत्री है सुमो रसलिंग यहाँ का राष्ट्रीय खेल है समझ गए कि नहीं भाई साहब यहाँ पर तूफान और यहाँ पर जो है सुनामी भूकंप बहुत आते हैं क्योंकि ये पैसिफिक रीजन के ऐसे क्षेत्र में है जहां पर नीचे पैसिफिक ओशियन के अंदर बहुत सारे ज्वालामुखी हैं ज्वालामुखी अंदर है ओशियन के और वो जब फटते हैं तो सुनामी पैदा करते भूकंप पैदा करते हैं इसीलिए इसको हम लोग इस एरिया को क्या बोलते हैं अब एग्जाम में भी पूछा गया था क्या बोलते हैं जहां पर भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर में सुनामी आती है उसका निक नेम क्या है कौन बताएगा जल्दी से चलिए तो यहां पे जनता बोल रही है अगले प्रश्न को पढ़ते हैं अब तक तुम लोग जवाब दोगे हमारे यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो है वो कौन मंत्री प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो अब सबमिट चल रही है विच यूनियन मिनिस्टर इज लीडिंग फॉर द इंडिया इन द डेलीगेशन दो हजार बाईस एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिंग ऑफ फायर बहुत बढ़िया रिंग ऑफ फायर सही है ऐसे ही जगह रहो पता चला आधे सो गए सर पढ़ा रहे सो रहे किताब के ऊपर सर रख के नहीं बेटा जवाब देते रहना है इसीलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आते भैया सुनते रहो यहाँ पर कई लोग पीयूष गोयल बोल रहे कई लोग निर्मला सीतारमण बोल रहे हो कई लोग कुछ नहीं बोल शांत बैठे हुए अरे भैया बोलना है बोलेंगे तो बोलेगा बोलता है पीयूष गोयल जी महाराष्ट्र से राज्यसभा के मेंबर पीयूष गोयल जी यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हमारे हिंदुस्तान की तरफ से गए ये हमारे देश के कॉमर्शियल मिनिस्टर है वाणिज्य मंत्री है दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा सही जवाब है चार नंबर ये पीयूष गोयल जी है, है ना ये काफी दिनों से कैबिनेट मिनिस्ट्री में है काफी डिपार्टमेंट में लोगों का अलविदा हो गया लेकिन ये टिक करके बैटिंग कर रहे हैं रेल मिनिस्ट्री पहले इनके पास थी तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी स्विट्जरलैंड के दावोस में बेटा कहां पर दावोस में ये मीटिंग चल रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक हमारे जो है इसकी वार्षिक जो है हमारे प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर तो करे भैया फोन करते मुख्यमंत्री को जानने वाले चलोगे क्या भैया तो छह मुख्यमंत्री गए वरिष्ठ मंत्री गए दो केंद्रीय मंत्री गए और साथ में इनकी फैमिलियो गई होगी और सारा खर्चा कौन उठा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझ रहे हो कि नहीं तो ये बढ़िया चीज है ऐसी कोई मीटिंग हो जाए तो स्विट्जरलैंड दावोस भाई साहब सपना होता है लोगों का जाना वहां पे मीटिंग चल रही सब लद लिए सब एक पूरा एरोप्लेन बुक किया होगा बढ़िया व्यवस्था होगी उसमें टाइट तो खैर उसके ऊपर नहीं जाते विश्व आर्थिक मंच मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 24 जनवरी 1971 में हुई थी और इसको जर्मनी हमारे एक इकोनॉमिस्ट एक और इंजीनियर जिनका नाम था क्लास स्वाब क्लास स्वेब ने इसकी स्थापना की थी ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है चलिए तो पीयूष गोयल जी यहाँ पर जा रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट है मुख्य मुख्यालय कहाँ पे कोलंगनी स्विटरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है संस्थापक इनके थे क्लास स्वाब जनवरी में इसकी स्थापना हुई थी ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ठीक है चलिए आगे सब चलते अगला प्रश्न हमारे सामने आता है प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने के लिए क्षेत्रीय प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप के तहत साझेदारी की है उत्तराखंड है हिमाचल प्रदेश है महाराष्ट्र या कर्नाटक है क्या होना चाहिए तो यहाँ पे सारी की सारी जनता एक ही जवाब दे रही है कि सर हमारे यहाँ पर प्लास्टिक एक बहुत बड़ा खतरा है ना सिर्फ मानव जाति के लिए बल्कि हमारे पर्यावरण के में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी के लिए पानी में डालो वहाँ पे खतरा है जमीन में गाड़ो वहाँ पे खतरा है आग जलाओ एयर है तो इसी को देखते हुए हमने यहाँ पर इसको रोकने की पूरी तरीके से खत्म करने की जो है वो कवायद शुरू कर दी है और महाराष्ट्र सरकार ने ये हमारे टाइप किया हुआ है क्षेत्रीय प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने विश्व आर्थिक मंच मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा चलाया जा रहा ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन में पार्टनरशिप की है ठीक है तो यहाँ पे महाराष्ट्र सही जवाब हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कोलंगिनी में इसका हेडक्वार्टर है ठीक है यहाँ पर हमने देखा है यहाँ पर इसको तो प्लास्टिक प्रदूषण के लड़ने हेतु क्षेत्रीय प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ जो है वो एक्शन पार्टनरशिप जीपीएपी की साझेदारी की है महाराष्ट्र सरकार ने प्लास्टिक, से के लिए एक मंच के रूप में प्लास्टिक फिर से एक बार देखेंगे इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप ठीक है कौन पार्टनर इसका बनना है पहला राज्य महाराष्ट्र बन रहा है कौन शुरू करेगा इसको कौन शुरू करेगा कोलंगरी में किसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है ठीक है चलिए तो ये हमारा महाराष्ट्र हो जाता है तो महाराष्ट्र के हमारे गवर्नर कौन है भगत सिंह कोशियारी हैसियारी मुंबई कैपिटल है एक मई 1960 में हमारा बंबई आइलैंड से गुजरात और एक तरफ महाराष्ट्र बना था उद्धव ठाकरे साहब इसके सीएम साहब है बहुत हमारे जो है याद रखेगा ठीक है तो महाराष्ट्र में नेशनल पार्क कौन कौन से तो आप याद रखिएगा संजय गांधी नेशनल पार्क बोरी वाली मुंबई में चंदौली नेशनल पार्क है उसके बाद तडोबा है नावे गाँव है गुंगामल है ठीक है तो ये हमारे नेशनल पार्क आपको देखने मिलेगा पेच पार्क इसका कुछ हिस्सा पेच मध्य प्रदेश वाला कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी है तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है चलिए आगे तब चलते है अगले प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है अगला प्रश्न कॉर्पेट की बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट पेट्रोलिंग के लिए हमारे हिंदुस्तान की नेवी ने किसके साथ एक्सरसाइज की थाईलैंड है सिंगापुर है बांग्लादेश है या श्रीलंका किसके साथ एक्सरसाइज की है हमारे देश की नेवी ने बड़ी मजे आ रहे हैं देख रहे है तो आपस में मजे ले रहे हो तो यहां पे सर बांग्लादेश 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 तो बांग्लादेश के साथ हम लोग कई सारी एक्सरसाइज करते हैं जैसे अग्रो सेना, अग्रो सेना ये एक्सरसाइज हम बांग्लादेश के साथ करते हैं ना, सम, यहां पे देखेंगे तो यहां पे बंगो सागर

और आई एन एस सुमेधा ने पार्टिसिपेट किया था डिटेल में पढ़ने वालों ध्यान वाले और आई और एस सुमेधा ने इसमें पार्टिसिपेट किया था है ना आखिरी बात कॉर्पेट ये मतलब बांग्लादेश के साथ कॉर्पेट हमने अक्टूबर दो में किया था अब हम लोग वापस से एक बार ये क्या कर रहे हैं कॉर्पेट एक्सरसाइज कर रहे हैं आई कोरा और आई सुमेधा के साथ ये हमने एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया पूछेगा ये जो बांग्लादेश के साथ बंगो सागर एक्सरसाइज हुई उसमें कौन से हमारे शामिल किए गए थे तो कोरा पिंच ब्लैक ये थोड़ा सा हमें याद करना पड़ेगा पिंच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया के साथ एक्सरसाइज होती है बांग्लादेश के साथ बेटा कौन कौन सी होती है तो बांग्लादेश के बाद अग्रो सेना संप्रीति कॉर्बेट है ना ये कॉर्बेट कई लोगों के साथ होती है है ना तो बाकी का जिसमें इन बिन लगा तो ये तुमको याद होगा टेबल टॉप टेबल टॉप भी हम बांग्लादेश के साथ करते संवेदना भी हम बांग्लादेश के साथ करते अगर हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के साथ तो दक्षिण अफ्रीका के साथ होती है आई बी एस ए एम ए आर एक्सरसाइज होती है पिछले साल हमारे एग्जाम में पूछा गया था जायद तलवार किसके साथ होती है जल्दी जवाब देना है जायद तलवार पिछले बार के हमारे सी एच एस एल के एग्जाम में पूछा था किसके साथ एक्सरसाइज होती है जायद तलवार देखिए कौन देखो पार्टिसिपेट करो काफी नींद आ रही है तुम लोगों को है सुबह-सुबह से नींद आ रही है जायद तलवार किसके साथ एक्सरसाइज होती है अगर तुमसे पूछा गया नोमेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज किसके साथ होती है नोमेडिक नोमेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज किसके साथ होती है तो जायद तलवार यूएई के साथ होती है na, होती है ना यूएई के साथ होती है हमारी है ना नोमेडिक एलिफेंट किसके साथ होती है जवाब दो जल्दी से नोमेडिक किसके साथ होती है

तो पर जनता ने बताया कि सर नवा एडिशन जो है खंजर एक्सरसाइज का वो हमारा हुआ था हाँ बोलो 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 जनता बोली तो, है सर ये होना चाहिए किर्गिस्तान किर्गिस्तान के साथ किर्गिस्तान किर्गिस्तान का नाम सुना है है की कैपिटल के साथ हमारी खंजर होती है ठीक है तो ये पूछे जाने वाले प्रश्न है आजकल पूछे जा रहे हैं ठीक है याद रखिएगा किर्गिस्तान के साथ खंजर एक्सरसाइज होती है चलिए आगे चलते अगला प्रश्न बना लेते हैं बढ़िया प्रश्न आपको लेकर के आते हैं अगला प्रश्न आपको यहाँ पर बताना है एवरे बे, एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की हमारे पर्वतारोही कौन है रिदमा ममानिया है सृष्टि मिश्रा है अनुष्का दयाल है या रवीना सिंह है ठीक है किर्गिस्तान हो गया तो यहां पर जनता बोल रही है सर हमारे एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की जो दस साल की सिर्फ बेटी है ये दस साल की बेटी है मुंबई की बेटी जो कि पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम नहीं पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन कर रही है नाम है रिदम ममानिया मुंबई की एक स्केटर है जिनकी फोटो कंप्यूटर जी यहाँ पर ये देखिए कितना बढ़िया मुस्कुराता हुआ चेहरा है और मन में एक ही लक्ष्य है एवरेस्ट को फतेह करना बेस कैंप तक पहुंच गई दस साल की उम्र में और अभी तक ये कारनामा किसी ने नहीं किया है तो एक दुर्लभ उपलब्धि है दस वर्षीय स्केटर रिदम ममानिया जो है ये सबसे कम उम्र की है जो की बेस कैंप बेस कैंप एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी नहीं है ये हमारा बीच में कैंप बनाया गया है लेकिन ये भी हमारी बहुत ऊंचाई पे है पांच हजार तीन सौ चौसठ मीटर की ऊंचाई पर स्थित है अभियान को पूरा करने में इनको ग्यारह दिन लगे थे बेटा दिन इनको लगे हुए हैं बच्चे को यहां तक पहुंचने में माउंट एवरेस्ट पर दो बेस बेस कैंप कैंप है साउथ तैतीस सौ चौसठ मीटर पे है जबकि नॉर्थ बेस कैंप थोड़ा सा कम इक्यावन सो पचास मीटर की ऊंचाई पर है लेकिन दस साल की उम्र में इतनी ऊंचाई भी चढ़ना दैट वॉज वेरी टफ टास्क और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है ये इनका अचीवमेंट है एक है माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई अगर देखेंगे तो हमारी कितनी है एट एट फोर एट या लगभग अगर देखेंगे एट एट जीरो मीटर पे है इस पे सबसे पहले न्यूजीलैंड के एडमन हेलोरी तेंजिंग नार्वे जो कि शेरपा थे नेपाल के इनकी मदद से नाइनटीन में चले दुनिया का सबसे ऊंचा दूसरा पर्वत जो है माउंटेन केटू है जो पीओके में अधिकृत है इस पे जो है गार्डविन आस्टिन चढ़ने की वजह से इसका नाम हमने ज्यादा के जवाब सबसे ज्यादा चढ़ाई की है सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति या महिला कौन है जल्दी से जवाब देना है सबसे ज्यादा बार कौन विदेशी है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े है विदेशी का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़े है दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी पहली भारतीय महिला कौन है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि हमारे यहाँ पर जो है पांच हजार से ज्यादा पांच पर्वत श्रंखलाएं जो आठ हजार से ज्यादा है उस पर चढ़ने वाली कौन सी महिला है ये सारे प्रश्न अभी हमने हाल में ही पड़े हुए हैं अभी आपको बताने सबके जवाब देखिए सबसे ज्यादा बार जो चढ़े उनका नाम है कामी रीटा कामी रीटा जो है ये सबसे ज्यादा बार ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है छब्बीस बार और ये नेपाल की है मतलब इनका तो घर का काम है लेकिन अगर विदेशी की बात करेंगे तो कैंटन कूल यहाँ पर जो हमारे ब्रिटेन के कैंटन कूल सबसे ज्यादा 16 बार चढ़े विदेशी हैं पहली भारतीय कौन थी तो बछेंद्री पाल बछेंद्री पाल यहाँ पर सबसे पहली भारतीय थी जो यहाँ पर चढ़ी है उसके बाद संतोष यादव है जो दो बार चढ़ी है पांच आठ हजार से ज्यादा हमारे पांच ऐसी पर्वत जिसमें चढ़ करके प्रियंका मोहते तो प्रियंका मोहते जो है महाराष्ट्र की है फिर से एक बार यहाँ पर देखने को मिलेंगी ठीक है तो दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण है याद रखिएगा आपको ये सारे बनाने पड़ेंगे याद करने पड़ेंगे एग्जाम में पूछे जाने वाले चलिए तो आगे चलते अगला प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं इन्फोसिस के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसका नाम चुना गया है इन्फोसिस हमारे पूरे इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी इसके नए सीईओ कौन बने इंद्रप्रीत साहनी है जय संघराज का है किरण मजूमदार है कृष्णा मूर्ति शंकर है या सलील पारेख है बहुत बढ़िया तो यहाँ पर जनता बोली है सर सयुत्तर होना चाहिए सपना का मानना है कि सर होना चाहिए कृष्णा मूर्ति शंकर तो गाइज यहाँ पर जो सही जवाब है जितने लोग बोल रहे हैं सर सयुत्तर होना चाहिए हमारा ये सालील पारेख बिल्कुल सही है गुजराती सलील पारेख गुजरात से है और यहाँ पर इनको बनाया गया है तो नंदल नील कर्णी के सर अध्यक्ष और संस्थापक सदस्यों में से एक है और नारायण नारायण मूर्ति जी, जी जो ने इन्होंने इसकी स्थापना की थी तो यहाँ पर हमारे सलील पारेख जो है इंफोसिस के नए सीईओ और एमडी के रूप में बनाए गए कौन सलील पारेख किसके इंफोसिस के कब बनाई गई थी तो ये 2018 में सीईओ और एमडी के रूप में थे फिर उसके बाद से वापस इनको रिटेन किया गया है है ना तो इनके इन्होंने किसका रिप्लेस किया हुआ है इन्होंने यूबी प्रविण राव को जो सीईओ थे उनको रिप्लेस करके बन गए कौन सलील पारेख तो ये इंपॉर्टेंट जाता है इंफोसिस सात इंजीनियरिंग इंजीनियरों के द्वारा दो जुलाई 1984 में बनाई गई थी मतलब 1984 की बेंगलोर में इंफोसिस के अध्यक्ष नंदन नीलकर्णी है ठीक नील है नंदन नीलकर्णी जो है यहाँ पर इनके अध्यक्ष आपको दिखा देंगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं ऑस्ट्रेलिया तैराकी चैंपियनशिप में महिलाओं में 400 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में विश्व रिकॉर्ड

कितने तीन मिनट छप्पन दशमलव चार सेकेंड का जो पिछला रिकॉर्ड था उसको तोड़ते हुए यहां पर इन्होंने नया रिकॉर्ड बना दिया टिटनेस ने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक के 200 मीटर दो में गोल्ड मेडल जीता था समझ रहे हो कि नहीं गोल्ड मेडल जीता था और इस बार इन्होंने 400 मीटर की जो फ्री स्टाइल है वहां पर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है तीन मिनट छप्पन दशमलव चार सेकेंड तो इस रिकॉर्ड के ऊपर ध्यान दो इसके जो अचीवमेंट है उसके ऊपर ध्यान दो फोटो के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है कंप्यूटर जिसे बोलेंगे कल से कि भैया जो है ना ये जो अच्छी लड़कियां होती हैं उनकी फोटो ज्यादा मत लाया करिए बच्चों को कंटेंट अच्छा चाहिए क्यों भाई लेकिन फिर भी देख रहे हो कि नहीं चलिए आगे चलते हैं तो बहुत बढ़िया अगला प्रश्न देख लेते हैं तो गैस यहाँ पे हमारे जो है वो अलविदा लेने का समय हो गया यार एक घंटे हो गया पता ही नहीं चला प्रिजर प्राइज अवार्ड विनर के नाम आपको बताने हैं प्रिजर प्राइज जो है ये किसको किसको मिला है या किसको मिला है आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 का वेन्यू क्या है 50 ओवर वाला बेल्जियम की कैपिटल क्या है और बावनवा टाइगर रिजर्व कौन सा है क्या आप जानते हैं नहीं जानते हैं तो एक बार जानिए और यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इन सभी का जवाब आपको देना पड़ेगा ठीक है चलिए तो यहाँ पर हम और आगे चलते हैं आपको यहाँ पर बता देते हैं कि सबसे पहले तो आप लोगों को जितने भी नए बच्चे हैं सभी लोग छह बजे चैनल, तो चैनल करिए और, और दोस्तों अच्छा भाई साहब ये दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका टेक्स्ट बुक पास है इसमें आज एक अनोखी प्रतियोगिता रखी गई है जिसमें आपको जो इलाज बुक पास है उसमें डिस्काउंट नहीं कैशबैक मिल रहा है मतलब पूरा पैसा आपका वापस आ जाएगा अगर आप लकी होंगे अब ये नहीं कि सबका आएगा लेकिन कुछ लोगों को आप वापस से आने का ये प्रतियोगिता रखी गई है है ना कूपन कोड यहाँ पर क्या लगाना है तो आपके दोस्त आपको कमेंट करके बता रहे होंगे सर पी एस सी पी ए एस एस पी एसी पी एस एस जैसे इसको लगाएंगे यहाँ पे अप्लाई करेंगे ये देखिए तीन सौ साठ रुपए का हो गया दोस्तों यहाँ पर हमने जो, जो प्रतियोगिता रखी आपके लिए रखी है अब सर ये क्यों ले सी जी एल एम टी एस सी ना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सबके आपको एग्जाम यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे सबके एग्जाम ओपन हो जाएंगे ये नहीं की सिर्फ एम का ओपन होगा या सी का ओपन होगा सारे एग्जाम आपके टेस्ट ओपन हो जाएंगे मतलब इससे सस्ता और इससे अच्छा कोई नहीं है ठीक है ना यहाँ पर आप देखेंगे तो टेस्ट सीरीज में जाइए यहाँ पर आपको सारे के सारे टेस्ट में देखने को मिलेंगे सबसे पहले तो आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर 120 प्रीवियस ईयर पेपर है यहां पे 58 है हमारे चैप्टर है फुल टेस्ट है और 100 से ज्यादा हमारे अलग अलग चीजों के टेस्ट टेस्ट है तो एक बहुत बढ़िया सीरीज आप इसको लगाइए करंट अफेयर्स भी हमने यहाँ पर पैटर्न पर डाल रखे हैं छियानवे टेस्ट है टोटल करंट अफेयर्स रिविजन करने के तो आप यहाँ पर कर सकते हो सिर्फ एम का नहीं सी सब कुछ हो जाएगा कूपन कोड क्या है फिर से एक बार आपको मैं बता देता हूँ कूपन कोड है आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैं देखता हूँ कि कौन कौन लोग कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं कूपन कोड है हमारा पी ए सी पी एस एस यहाँ पर देखिए क्या लिखा सकते ने पी ए से पंकज सी से चौबे या करंट अफेयर्स आप लोग कर सकते हैं हैं लिख सकते कितने का हो जाएगा सर एक साल का तीन सौ साठ रुपए में और दस हमारे लकी विजेताओं को ये पैसा पूरा वापस कर दिया जाएगा रोज डेली बेसिस पर जब तक ये ऑफर चल रहा है तो इसी के साथ आज हम लोग अपने सेशन को यहाँ पर खत्म करते लेकिन होमवर्क जो है वो कम आ रहा है

आपको जो है वो आर्टिकल देखने में तो आठ जाएगा प्रीमियर हो जाएगा आप लोग इसको देखिएगा और कमेंट में आपने जवाब भी बताइएगा ठीक है चलिए तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में और इस वीडियो का लिंक भी आपको मैं दे दूंगा कहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल पर तो जो बच्चे नए हैं और जिनको पी नहीं मिल पाती है तो क्यों ना वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके पीडीएफ का आनंद उठाए ठीक है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक सर दे दीजिए ताकि हम पीडीएफ का आनंद उठा सके बिल्कुल आप सभी लोगों को यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक हम दे देते हैं ये हमने यहाँ पे कॉपी किया और ये आप लोगों के लिए हमने यहाँ पर पेस्ट किया